लैला खो 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 ना रे दोगली भोसरो ना खड़ा कहले बा हाई सरोसा के भाजा वाले तो पारा पर पारा लू अंडा देखा था नहीं कैसे ना पारा था पारा ना था हागा मुता के जिया ने करा दे पर ए भाइयो ए दादा के मुगा दे बहु का ओकरा पारे के होती ते पड़तै ना त ना पड़तै सुनना भाइयो 2 घंटा से हम तोर नौटंकी देखा था नहीं काल हमार अंडा खा के भाज बा अगर मुर्गी के तनको रेफ लाग गेल त साले भूल जाम कि तू हमार बड़ भाई बारे हां त भूल ना जो केंगे तोरा से अंडावा परवा लेता नहीं साले मुंह ना गार बल गोबना नाम चाहतरन के आज मुर्गी अंडावा ना परो इस तरह के काल भाज बा त कल 2 गो अंडा खइहन लैला लैला आराम से पारो लेकिन आजे पारो काव सार लोग हम जानते तोन को जी आ जाइबो हमरा बाप के जूस खाना लो आंटा पर भार ले बता एगो मुर्गी पोस ले बानी कोर कुटु मता कुटा भी ला ले खन दौरता उ रहई त खाई सारवा सब लेकिन ये सार लोग सब बची तो अब लोग क्यों खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सारो से खा लो तो कुछ बोलल ना मौगाए रहल आ हमरा पर चाप चढ़ले बार ड्राइवर वाला बनी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गार मारबे कुटुम रे कौनागत के सारी बोल ले हरी तनको सुभलाउ हो पार दल अंडा लैला अंडा के साथ अब गंदा भी कर देलू अब चल जा होकर लेके होकर बाड़ी आ जान कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए दादा देखत रह उतने बहुत बा सुंगे दे हमरा ही ना खियावे के बात करत रह जो सरवा ना खियाइए हमला ने खियावे जाता के होके ए माये तनका तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए साली के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जा साला एगो दमादो बा तो 1.5 महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाए के नामे नहीं खेलेबा जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा ए माई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो रोको ना बाबू हमर दे तनी आज अंडा छुआ गेल न तो चूल्हे फोराई आज हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले भरन फोड़ दिया नी पुतरो कहीं के हरिओम 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 धर बो धर तंग तुर ले का दिन हमार अंडा कोना खाई धर रे चढ़वा धर अपना गारवा में ठूस ले धर धर घर में अंडा खाना बनी तो खाएं क्यों निकला देखा बाहर क्यों आयल बा ए सुना ता नहीं देखी ना क्यों चिल्लाता तू कहाँ जा रहा है अरे भाई कुछ चीज बेचनी है पैसे की जरूरत है भाई चीज क्यों बेचनी है थोड़ा कमा लेना और कैसे कमाऊँ एक जॉब करने की सोच रहा था पर इस जॉब से टाइम ही नहीं मिल रहा है तो ये बात है तो तू कॉफी ट्रेडिंग ऐप क्यों नहीं यूज करता ऑक्टा एफएक्स की तरफ से क्या ऑक्टा एफएक्स हाँ ऑक्टा एफएक्स के बारे में तेरे को नहीं पता ये दिल्ली कैपिटल का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर भी बन गया है और तो और इंडिया का बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर 2022 भी है तेरे को पता है सबके बारे में मुझे भी बता इस प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट होती है एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स की जिसे मास्टर ट्रेडर्स भी कहा जाता है आप अपना मास्टर ट्रेडर खुद चूज कर सकते हो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट और रिस्क स्कोर को देखकर फिर बस कॉपी बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी ट्रेड्स मास्टर ट्रेडर करेगा वो सब आपके अकाउंट में भी आ जाएगा इसका मतलब जब भी मास्टर ट्रेडर अर्न करता है आप सब भी अर्न करेंगे इसका कमीशन बहुत कम होता है और पे भी आपको तब करना होता है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना सच्ची हाँ हर ट्रेडर को रैंक भी किया जाता है उनके रिस्क पे 1 से लेकर 6 तक उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिट के बेसिस पर मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है मेरे भाई ये तो सही है तो अगर आप सब भी अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुत्ता लेखन कौन चिल्लाता रे के बा ए बा आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आओ कुल्ला करे के बा प्रणाम अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा अब बोरी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के फूफा जी प्रणाम प्रणाम फूफा प्रणाम फूफा मेहमान जी तनी होश में न तो रहो बहन के मजे मरवा दे
ए महाराज माजा मारे के मतलब गलत का समझे घर में पंखा लागल बा गैस पे खाना बनाता वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिचाईता ये सब माजा ना बता का बा फूफा तो बात ठीक है कहत हो पापा नु अपन दोगल अपन सोचल लावा हाय पतर का इधर बैठ इधर तब मेहमान जी राहुल बहनिया माजा मारा था कि ना कोनो ठीक बा माजा मारते होई धनी घर में शादी भेल बा एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला सब तो भगवान के मर्जी बा फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धाई ले बा चला आओ तनी आओ तनी आओ ए मेहमान बाहर बैठू भीतर का जा तनी ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी 12 दिन ओकरा भेट कला केने बारो ओ करे जा अरे भौजी काल में हो भौजी प्रणाम खूब खुशी रही बड़ी सुंदर लगा तेरे भौजी मन कर तो काचे काट मत छोड़ा आ कहीं ना ना दिए के समाचार ठीक है मान में की रहुआ लेके सही की मेहमान जी रवर बारा बनिया खा रहा बा कती भौजी ए राहुल ठीक हमरा दिले घबरा गेल हम समझ नहीं कुछ और मारा गंदा गंदा बात सोच के मारा गंदा गंदा बाबू रे फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी लिया जा है जो जाके कुर्सी ले भाई तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के तोरा के माई केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला तोरा बाप के ओ पापा के पापा जाके कुर्सी ले आओ फूफा के बैठेला माई कहत हवा दूसरा हो खड़ा हो के मतारी के खेला देखा तरह जो सला जाके कुर्सी लिया हम ये कह जाई हो एक ने कहला कौन है एक ने के तोर बाप हो कि बाप के बाप हो कथि कहले रे साला बाप चाहेंगे बतिबे मारत कह रहा बरन पुत्रा मुआ ना तो हमरा लइका वाके ए चुप बतरी तू चुप ज्यादा बोलू तो आज पिठा से फारो अच्छा जाई दू भाई साहब खिसियाओ मत हम खड़खड़ी ठीक बानी ए चुप चला चुप तोरा से बोले नहीं कि जा मऊगाठी कहीं के कर कुटुंब आवले तो दूरा पर बैठल है सुरछुराइले घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे भला आदमी लेखन बाहर चला अच्छा ठीक बा बाहर नाश्ता पानी हुआ कब से बैठल बानी सारा नोटंकी देखत तनी भिखारी ना होई घर के दामाद है पुरान का फूफा नायका दामाद कहीं घर में इज्जत नहीं खे आ पुरान का दामाद कहीं केहू लाड़े पूछता एगो काम करो ना फूफा ई घर वाली लिखवाना ल हां त लिखवाइए ले हम जहां एक बार ठननी तब तो दो चार कटा लिखवाइए ले हमर लड़वा हिलाओ ना सरौ के बेटा हां यार और बाबूजी और अदले बरन की लिखवा लेब ओ भाई जी नाश्ता करब कि ना करब कि भूखे रखब मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा भूखे मरल जात रका अइले सरसराइले घर में घुस गेला हाय जो बाबू से जो फुपाला नाश्ता लेके आओ ए भैया चल नाश्ता ले आओ जाओ ए जो कोनो पहाड़ ले आओ के नाश्ता ले आले चार आदमी जाई जैसे कोनो आदमी मरल बा कांधा देके ले आओ के बा आइले फुफा नाश्ता आइले फुफा पानी अरे साला अंडा हमारा अंडा कहाँ ले रे ए भैया माई दिले कल ये फूफा खाइन ए गार मारी फूफा के हमारा अंडा कोनो सरवा ना खाई अंडा सा हित साले के फूफा तू खा खाओ कुटुम खाओ डराओ मत ई साला अंडा के बच्चा बा ए फूफा अंडा के खाल पूरा गार बाहर निकाल दे हम अगर अंडा के छू देला नु त तोर से परवा ले हम ए कुटुम खाओ रहुआ हम बानी नु फूफा अंडा के छू देला त तोहर मुंह छुकर के तोरा गार में साट दे हम खाओ मेहमान खाओ ढीटे फूफा तू खा हम पकड़ ले बानी ए फूफा फूफा तू डरा मत ढीटे खा ए बाप बाप अंडा मुंह में जाता हमार जूजी खाना फूफा अंडा खाइए साला पकड़ा था
अब ले जसन भूजा प्याज के खाई हटाव सन। ए बउआ प्लेट हटा, मेहमान ना खइन, इनके गाड़ भरल बा। अड्डा चबावत लोग बकरी के घास समय काटी लो, बैठ के चुतर से करता। बाबूजी देखी ना के आयल बारन। के आयल बारन? हम सतरंगी, प्रणाम बाबूजी। खुशी रही खुशी नहीं, काहे ला ओइने हो? मुंह मरवावे आयल बनी, साला घर में कोनो इज्जत नहीं के, कोनो टी खिला होता, कोनो अंडा छीनता, कोनो घर से निकलता है, बहुरुपिया बनी का। बहुरुपिया राक्षस कह राक्षस, अंडा हमर काहे खाला बिना पूछ ले? अरे हम का जाने अंडा कहाँ से लेके आयल, मुंह में तो ना पड़े दिले, छीन के खा गेले। अच्छा फूफा तू टेंशन मत लो, अभी हम अंडा पारन तो खिया। अच्छा ना 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 ध्यान, हमर मुर्गी अंडा पारे नहीं तो खिया। बंटी अंडा तू पर बे, एक बार मुर्गा से पाल खा के पड़ते हो जो साला, तू के पाल खो, रोज अंडा पड़ी है, रोज तरवा के खाइए। रे साला तू ने कहले अंडा परम दा फूफा खइयन। रे साला गलती से मुंह से निकल गेलो को गेट छोड़ ना छोड़ और मुआ आप। उठे फूफा, हटी रहुआ जी। अरे बाप बाप, बउआ जी बैठावा कुर्सी पर, हटी। मुँह दे बड़ा चाहे छोट, बाप चाहे दादा, हम तो बेकारे उठेनी है फूफा के, भले गार छित्रा के गिरा रहा। हम तो कितना बार कर कुतुब के माना कहनी कि हमारा घर में मत आवा, हमारा घर में दोगला लड़का से पैदा ले ले बा, आ फिर भी लोग दौड़त रहता है। ससुरारी बात आई ना लो, फूफा जी के नाश्ता ना करा हुआ, कम से कम खाना खियावा हूँ। जा बउआ जा, मेहमान के खाना लेके खिया दो, उनका घर जाए के बा। अभी खाना बनल का हम अकेले आदि लोग, फूफा रात के बसिया रोटी और आयल सब्जी वाले लिया दी, वह खाए में खटता वह। कोनो बात नहीं के सर बेटा, कोनो बात नहीं के, हमारा कोनो काम धंधा बा, बनू गरम गरम खा के जाए। आ फूफा मुर्गो के मीट मंगा दी का? ना 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 ना, मुर्गा एक काय ला लिए, खस्सी के लिए आवा। खाए में बड़ी मजा आई। केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लखनू, तुम करा मुंह में लार धास दे। कौनो बात ना, कौनो बात ना, जो बोगो मीट लेके आ, जो चल भैयो। रे ठीक कहले हम मीट ले आवेला, आज फूफे के बहाने मीट चापल जाइस, साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सर। भैयो रे अपन बापुआ हाथों पर बड़ी जोर से मरले हो, बहुत जोर से। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं के, एक पीस बेसिए खाइए, सारा दर्द दूर हो जाएगी। हाँ पाहुन इतना करिए काहे बनी? फूफा जी चिमनी में काम करी ले। भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया। फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फूलल गांड लेखा लागता। अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना, कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले? मानदान हमर झाट होकेला, वो से बतर दशा होकेला, लेकिन चाहेला कि कब चल जाओ, लेकिन हमू खीसे खूटा गार के बैठल बनी डेढ़ महीना से। ठीके कहतनी पाहुन, एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे आ मीट मछली से घर गम गम महके। ठीके कहतनी फूफा जी, लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा, हई सरो से खाली पाद महकेला। अच्छा ई सब बात ठीक ठाक नहीं के, लेकिन मीठुआ होता तले आराम कर ली। इस्माइल भाई गोल पीस काटा, गोल पीस। का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ? मुर्गा चलत नहीं के, बैठल बा। सरा हूँ मजाक कैले बारा, दाम बताओ सरवा। अच्छा भाई तनिए बता भाई, सरवा दाम पूछलक, खाली पूछलक मुर्गी कैसे चलता? ए रुक, ए दाम बताओ कैसे हौ? 200 रुपए किलो। ओ भाई पैसा लावा। ए इस्माइल सुन ना, एक बार इतना बीख मत पाद, कम कितना करब ये बताओ। ना भाई कम ना हो तो 1 रुपये कम ना करब। ला 1 रुपये कम ही दे, 199 रुपये लाओ। साला 1 रुपये कम करके एहसान करो तरह का रे।
180 रुपए देबे बोल अभी खरे खरे कटवा ले बहू कम ना तो आगे बढ़ ए चल कम ना करी सर चल ए भाई बोल तू कितना चाहिए आधा किलो हई मिठवा ना ले भाई का ए लेवल जाई चुप ना वो अपने बुलाई कहियो भाई हेने आवा 180 रुपए दो तन का इंतजार कर कहां बोला लोग रे साला साला दोगला बारे है ना बोले लखा चल ले लेवल जाई इस महिला है ढाई मिनट एक किलो सरवाड़ा कम कर बेटा आई धर 200 रुपया अपना गांड में खोस ले अच्छा एगो समय रहे हमहु बहुत बड़का छिना रहे पुपा जी रहुआ रोही हम बानी पुपा हाई देखा मीट देखत तू बड़ा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल काथी दुगलाई बतियाला पुपा मुँह पर ना मरियो तो गान पर मरियो देखत नु बड़ा साला के दुगलाई बतियाइल बपो साला कम हरामी नहीं के सब सुनत रह लइका सके समझाव लेना हमका बार बोली वेशभूषा बनाइले बारे गादहा लेखन त सह प्रणाम मूसा खुशी रह देहवा पर काहे ने चढ़ा देले आइलन सरसराइल घंटी मारते प्रणाम मूसा चल साइकिल पीछे कर घर में खाला खर्ची ना आ बाटत रह के बा पड़ची ए घर में दुगो कुटुंब कब रह लख कि तीसरा चौथा आ गेल ए हम ये बोला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बर आवत त साला से तो मार के बेलगा दी ना मीट मांगा मांगा के खियावो गांड फटे न बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा जा तने साला के दुगलई अरे ई त बाबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन अरे कोनी बेले हा सर प्रणाम भैया प्रणाम भैया खूब खुशी खूब प्रणाम भैया प्रणाम भैया हट हट प्रणाम कराओ के औकात हो तोरा जाके फोन ले एके प्रणाम कर लई प्रणाम भैया खुशी रह खुशी रह बाबू हमर अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर का कुछ लेनी है माई पैसे ना दे ले रहल तो तोहनी कथी करे ले है धर्मशाला बुझले बारे बिना कुछ ले ले चल दे वालीस हाई ले पानी पी हटा पानी ए का बिलवा पिए दहु ए मिठाई न खेले के आल जा दे भियो पानी पी लेवे दहि ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो करै रे चल चल लेके चल घर जो भयो घर रात हो जतौ बैठला से कोनो फायदा ना हो साला दोगला छो सब दुगारी पे कहियो मु तो ना है साले बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिए बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा बाप के जूजी खाए ला बेचैन बरन देखा तानी बनल कि ना बनल माई मीट बन गेल हां हो गेल ए माई पानी मत लगाई हम भूजल खबाऊ हम हूं भूजले खाबो लोगन हां पानी ना लगाई ना अच्छा ठीक हो जा जा के प्लेट ले आओ लोगन जा साला सब कहतो नहीं कि मीट बन गेले बा आके खा ल उम्मीदो रखले बारा का खाएला उ सर्वस से बचतव तब न खैबो भाइयो तोरा में ज्यादा जात हउ मीट के कमी का रे होना ना साला चुपचाप ज्यादा जात हउ हाली हाली खोने द फुफा जतव हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाद जी अपना से गोड़ा चलाए पड़ी ना तो भूखे घर चियर के मोर ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हिया भूखे बैठो बैठल घर के नस फटल बा आ खाना बाहरे आई तोरी बहिन करा के अरे सब रख कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा आउट मीटवा
भाइयो फूफा तो कुछ जानते ना हो बताओ तनी फूफा माई मिठो बने रखा अच्छा आ खाए में लागल बहुत से अच्छा आ तू रह गया पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी है अरे साला साला मिठो खा गले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लेके पैसा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के बदारी के गाड़ी ना तो हमनी मिलके गाड़ी फाड़ी साला हमरे का और मेरे भैया फूफा के गाड़ में मारो साइने हाथे पकड़ाओ ए हाथ सलात मेरे फूफा ए मेहमान है रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खाएला चुप छिन रे मार बाबू सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दे ए मेहमान आखिर का भेला काहे छिन्नी मौगी लेखन गीत का करवा तनी लइका से 200 मिल के मन रखा ए पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ ए काहे रे का भेलो फूफा के गार काहे फाड़बे साला माई के छिनरी कहलक ह मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के आ पापा गाड़वा के का करी साथे साथे हुआ फाड़ दे ए क्या करता लोगन ठीक नहीं कहो बीच में लबर लबर बोलता रहा तोरा घर जाके तोरा बहनिया के छिनरी कहती तो कैसा लगता आपको चुपचाप खड़ा रहा मतलब फूफा के साथ साथ तोरो घर फरा जाई अरे फूफा के पेट में फुल्ले बा अरे मार के पचकाओ रुक अब तोरी के फूफा के बुला के ले अब तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितने मर मर ले बारे तैका देर आ रुक जा फूफा तैका देर ओकरा बाद हमने हगाई दे हम सब तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए।